हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं शतावरी, जिसको क्वीन ऑफ ऑल हर्ब्स भी कहते हैं, उसके बारे में और क्यों ये महिलाओं के लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। और साथ ही हम बात करेंगे कि शतावरी यानी कि शत, सौ और वरी मतलब इलाज, यानी कि सौ बीमारियों का एक इलाज शतावरी क्यों कहलाता है। जानेंगे कि इसको कैसे लेना है, कब लेना है और किन किन बीमारियों में ये फायदा करती है। तो सारी डिटेल इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शतावरी एक झाड़ीदार बेल होती है और आयुर्वेदिक पर्पज से इसका जो मेन पार्ट है वो इसकी जड़, इसका कंद यानी कि जो इसकी रूट है वो यूज में होता है। और जो पीली शतावरी है, येलो शतावरी, वो बेस्ट होती है और आयुर्वेदिक पर्पज से उसको श्रेष्ठ माना गया है। वीर्य में शीत होती है और वात पित्त शामक होती है। वैसे तो शतावरी 100 बीमारियों की एक औषधि है, पर आज इस वीडियो में हम खास तौर पर बताने वाले हैं कि फीमेल्स यानी कि महिलाओं के लिए ये कैसे भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। इसके सबसे पहले बेनिफिट की हम बात कर लेते हैं फीमेल्स में। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ओवरीज, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के लिए एक ब्लेसिंग है, यानी कि वरदान है। दूसरा बेनिफिट इसका पीरियड प्रॉब्लम्स में है। पीरियड प्रॉब्लम यानी कि अगर पीरियड में फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, पीरियड में फ्लो बहुत कम आ रहा है या फिर इरेगुलर पीरियड है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरा बेनिफिट, अगर इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक वरदान है। इनफर्टिलिटी इशू जैसे ओव्यूलेशन का ना होना या फिर एग क्वालिटी का लो होना, ये इनको कैसे ठीक करती है शतावरी? इसमें नेचुरली ईस्ट्रोजन बूस्टिंग एजेंट होते हैं और इसमें सेपोनिन और आइसोफ्लेवोन्स जैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हार्मोनल बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी इनफर्टिलिटी पे काम करती है। चौथा बेनिफिट है इसका कि इसमें नेचुरली एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि ये शरीर में कहीं भी सूजन है उसको कम करती है। तो अगर आपको PID की समस्या है यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, या वजाइनल इन्फेक्शन है, या फिर पेन इन ब्रेस्ट है, तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है शतावरी। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फीमेल लिबिडो को इम्प्रूव करती है, यानी कि जिन महिलाओं को संबंध बनाने में प्रॉब्लम होती है, इच्छा नहीं करती है, तो उनकी लिबिडो को ये बूस्ट करती है। और ये ज़्यादातर लिबिडो वाले इश्यूज जो फीमेल में हैं ये क्यों आते हैं? ये स्ट्रेस की वजह से आते हैं। तो शतावरी स्ट्रेस को भी डाउन करती है, स्ट्रेस लेवल को डाउन करती है और नेचुरली लिबिडो को बूस्ट करती है फीमेल में। तो ये नेचुरली फीमेल लिबिडो को कैसे इम्प्रूव करती है? क्योंकि इसमें नेचुरली पॉलीफिनॉल्स और सेपोनिन्स होते हैं जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स को, जो स्ट्रेस रखते हैं हमारी बॉडी में, स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, उनको कम करती है और ईस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट करती है। तो स्ट्रेस कम होगा तो जाहिर सी बात है लिबिडो जो है इम्प्रूव होगी। और अगर ईस्ट्रोजन का लेवल अच्छा होगा बॉडी में फीमेल्स में, तो जो प्राइवेट पार्ट है फीमेल्स के उनमें ल्यूब्रिकेशन अच्छा रहेगा, तो संबंध बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। सिक्स्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्किन वाइटनिंग। ये नेचुरली स्किन वाइटनिंग एजेंट का काम करती है क्योंकि इसमें ग्लूटाथायोन मिलता है जो नेचुरली स्किन को वाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका सातवां बेनिफिट है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो हमारा वेट ना ज़्यादा होगा ना ज़्यादा कम होगा, तो वेट हमारा बैलेंस रहेगा। आठवां और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें नेचुरली फाइटोइस्ट्रोजन होते हैं जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका नाइन्थ बेनिफिट है स्ट्रॉन्ग बोन एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के होते हैं, साथ ही साथ नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करते ही हैं, साथ ही साथ विटामिन के हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इसका 10th इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है और ये गर्भ पोषक है, यानी कि ये प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है। इसमें नेचुरली विटामिन बी और फॉलेट होते हैं जो प्रेगनेंसी को बूस्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो आप इसको प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इसका बेनिफिट है, ये मिल्क सप्लाई को बढ़ाता है फीमेल्स में। क्यों? क्योंकि ये आयुर्वेद में इसको स्तन्य जनन बोला है और मॉडर्न साइंस में इसमें गैलेक्टोगॉग प्रॉपर्टी होती है जो नेचुरली मिल्क सप्लाई को बूस्ट करती है फीमेल्स में। तो आफ्टर डिलीवरी
जब आप बेबी को मिल्क पिलाती हैं तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाता है ताकि अच्छा मिल्क सप्लाई हो और बेबी भी हेल्दी रहे। तो आइए बात करते हैं कि शतावरी को कैसे लेना है और कब लेना है ताकि फीमेल्स में इतने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करा सके। तो पहला तरीका उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी चाहती हैं या फिर जिनको बार बार मिसकैरेज या अबॉर्शन की प्रॉब्लम है, उनको लेनी है शतावरी 1/4 चम्मच और 1 चम्मच गाय के घी के साथ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सुबह शाम आपको लेना है खाली पेट। ऊपर से आपको पीना है गरम गरम गाय का दूध। दूसरा तरीका उनके लिए जिनको हार्मोनल बैलेंसिंग का इश्यू है, पीरियड प्रॉब्लम है या फिर वो अपना एग क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो लेंगे शतावरी 100 ग्राम और साथ ही साथ उसमें 50 ग्राम मुलेठी मिलाएंगे। आप इन दोनों पाउडर को मिक्स कर लीजिए और आधी चम्मच सुबह शाम आपको लेना है गरम दूध के साथ। तीसरा तरीका उनके लिए जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, पीआईडी की समस्या है या फिर वाटर रिटेंशन का इशू है या वेट लॉस करना है, तो उनको लेना है शतावरी 100 ग्राम उसमें 50 ग्राम गोक्षुर मिलाना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको आधी चम्मच सुबह शाम आप लीजिए शहद के साथ। चौथा तरीका उनके लिए जिनको लिबिडो इम्प्रूव करनी है और स्ट्रेस कम करना है, तो उनको शतावरी लेनी है 100 ग्राम और 100 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, इनको मिक्स कर लीजिए अच्छे से और आधी चम्मच सुबह शाम लेना है गर्म दूध के साथ। पांचवा तरीका उनके लिए जिनको स्किन वाइटनिंग करनी है, तो शतावरी चूर्ण आप लीजिए 1 चम्मच और उसमें 2 से 3 चम्मच आप मिल्क मिला लीजिए, कच्चा मिल्क और कुछ ड्रॉप्स रोज वाटर की। अच्छे से मिला के इसका फेस पैक आप यूज कीजिए, हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसका फेस पैक यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आधी चम्मच सुबह शाम शतावरी आप लीजिए दूध के साथ, तो आपकी जो स्किन वाइटनिंग का इश्यू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो आज हमने बात करी शतावरी के बारे में, महिलाओं के लिए 100 बीमारियों की एक जड़ी बूटी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं।